बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी। और ये देखिए, मैंने गोभी को भी तैयार कर लिया, और ये प्याज, सब्ज़ प्याज, और मैंने पतीले में डाल लिया है घी, और अब इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज अब हो गया, जिसे हम ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। इस पर अब शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, अब शामिल करेंगे टमाटर, ये मैंने 2 अदद लिए टमाटर, 5 अदद सब्ज़ मिर्च, ठीक है, ये 2 चम्मच है सुरख मिर्च के, ये 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला माशाल्लाह तैयार हो गया। अब इसमें जाएगा गोश्त, ठीक है, गोश्त को हम 10 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे आलू गोभी। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह हमारा भुन गया। ये देखिए अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू और गोभी। ये देखिए माशाल्लाह, ये 1.25 किलो गोभी है और 1/2 किलो आलू। अब इसे हम 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि गोभी जो हमारी आलू गोभी वो अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह, ये गोभी ने खुद ही पानी छोड़ दिया है। ये देखिए अब इसे में ये पक्का तैयार हो गया। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। ये देखिए माशाल्लाह हमारी गोभी गोश्त हो गया रेडी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल वैसे भी देखो इसमें अब घी भी छोड़ दिया है। ये देखिए माशाल्लाह अब इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 चम्मच है गरम मसाला और तुरशक धनिया पीसा, ये इसमें ऐड किया। अब इसमें जाएगा धनिया, ये देखो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, ये देखो और
चूल्हे को बंद। और ये देखिए हमारा गोभी गोश्त भी तैयार है। और आज माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की 20 तारीख है, 20वां रोज़ा है। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, ये है मुर्ग पुलाव आज की इफ्तारी के लिए। और ये आलू गोभी आज की हमारी दोनों रेसिपी होगी रेडी। आप कमेंट्स में बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बताएँगे कैसी लगी आपको ये आज की दोनों रेसिपी। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने नसीब करे और इस रमज़ान के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कमेंट्स में बताएं आज की दोनों रेसिपी, ये जो आलू गोभी गोश्त बनाया ये कैसी लगी। और ये थे मेरे आज के चावल। तो अल्लाह हाफिज़।